गांधीनगर में यूथ कांग्रेस द्वारा युवा स्वाभिमान सम्मेलन नो आयोजन करवामां आव्युं। त्यारे आ सम्मेलन में सुरेन्द्रनगर जिला यूथ कांग्रेस ना होदेदारों पी डिविजन पोलिस द्वारा अटकावी अने नजर कैद करीने छोड़ी मुकवामां आव्या। सुरेन्द्रनगर जिला माथी थोड़ा दिवसोथी अनेक कार्यक्रमों साथी ज पक्षों होदेदारों कार्यकरो विविध प्रश्नों अने रजूआतों माटे जई रह्या हता। त्यारे गांधीनगर में यूथ कांग्रेस द्वारा युवा स्वाभिमान सम्मेलन बोलावामां आव्युं हतुं, जेमां यूथ कांग्रेस गुजरातना छेल्ला बे वर्षथी 4 लाख जेटला नोंधायेला युवा बेरोजगार विधानसभाना आंकड़ा मुजब ए लोकोने अवाज बनवा माटे सुरेन्द्रनगर जिल्लामांथी यूथ कांग्रेसना होदेदारों अने कार्यकरो पण जोड़ाया हता, जेमां वढवाण यूथ कांग्रेस विधानसभा सहितना होदेदारों अने कार्यकरो गांधीनगर कार्यक्रममां स्थळे पहोंचे ते पहेला ज बी डिविजन पोलीसे यूथ कांग्रेसना होदेदारोने गांधीनगर जता अटकावी अने नजर कैद करी राख्या हता। अने त्यारबाद पोलिस द्वारा कायदेसरनी कार्यवाही करी अने मुक्त पण करवामां आव्या। महेशभाई उतेरिया, आपनुं गुजरात, सुरेन्द्रनगर। खाते यूथ कांग्रेस द्वारा एक युवा स्वाभिमान सम्मेलन गोठवामां आवेलो हतो, ज्यांथी जेना माटे अमे अहींया विधानसभाना अमे प्रमुख अहींथी जाता हता। अमारी पोलिस द्वारा अटकायत करवामां आवेली छे। आ भाजप सरकार युवानोनो विरोधी सरकार छे, એટલે જ અત્યારે તમામ જિલ્લા વાઇઝ બધાને છે ને અહીંયાથી અટકાયત કરી અમને નજર કેદ કરીને રાખેલ છે। કેટલા કાર્યકરોની અટકાયત થઈ રહી છે અત્યારે? અમે અહીંથી એક ગાડીમાં 5 જણા અહીંથી અમે ગાંધીનગર જવા રવાના થયા હતા, એક ગાડી અમારી નીકળી ગઈ છે અને એકને અહીંયાથી અટકાયત થઈ। ખાસ કરીને શું હેતુથી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું? યુવાનોને જે અત્યારે પેપર ફૂટી રહ્યા છે બેરોજગારીના, જે વિધાનસભામાં હાલમાં આંકડા આવ્યા છે કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં 3,65,000 ઉપર જે શિક્ષિત બેરોજગાર છે એ લોકોને હજી સરકાર છે ને અત્યારે રોજગારી આપી નથી શકતી, એના માટે અમે યુવા સંમેલન ગોઠવવાના હતા। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।